हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सर, क्लास 7 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। आज मैं आपको चैप्टर 13 एक्सपोनेंट्स एंड पावर ये एक्सप्लेन करूँगा। इसे आप बहुत ध्यान से देखें और सुनें, और जो भी कॉन्सेप्ट हैं उन्हें आप अच्छे से फॉर्मूलों को भी और इन्हें भी लर्न भी करें। चैप्टर 13 है आपका एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। एक्सपोनेंट होता क्या है वो यहाँ देखिए, इसके बारे में इंट्रोड्यूस आपको करवाता हूँ मैं। जब भी कोई लार्ज डिजिट होती है, बड़ी, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि यहाँ पे है मास ऑफ अर्थ, क्या होगा? मान लीजिए समथिंग ये है 5970000 किलोग्राम। अब आप इन्हें जब बोलेंगे तो इन्हें बोलने में बहुत कंफ्यूजन है, तो आप इन्हें एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर दीजिए और तब आप इसे आसानी से बोल सकते हैं। जैसे कि मैं अगर यहां हूं एक्सपोनेंट्स, वी कैन राइट लार्ज नंबर्स इन ए शॉर्टर फॉर्म यूजिंग एक्सपोनेंट्स। क्या कहता है कि किसी बड़े नंबर को शॉर्ट फॉर्म में लिखना एक्सपोनेंट है। जैसे 10,000 है तो मैं इसे लिखूंगा 10 × 10 × 10 × 10 यानी 4 बार। तो ये कितनी बार? 1, 2, 3, 4। तो 10 की पावर 4, 10,000 बोलें या आप 10 की पावर 4, दोनों एक ही हैं, तो ये एक्सपोनेंट फॉर्म हो गई और ये आपका लार्ज नंबर हो गया। ओके, इन्हें मैं क्या कहता हूं, नोटेशन। 10 की पावर 4 स्टैंड फॉर द प्रोडक्ट। इस तरह की प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, शॉर्ट नोटेशन बोल देते हैं, जिसे हम लिखते हैं 10 की पावर 4। 10 इज कॉल्ड द बेस एंड 4 क्या हुआ, एक्सपोनेंट। अब आप ध्यान दें, सपोज आप, यस ध्यान दें, जैसे कि मैं 1,000 लिखता हूं, कोई लार्जर नंबर, इसे मैं लिख सकता हूं 10 × 10 × 10। तो इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए 10 की पावर कितनी हुई, 1, 2, 3, तो इसे हम लिखेंगे 10 की पावर 3। और इस नंबर को इस फॉर्म में लिखने को ही हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। ओके, जिसमें इसे रीड कैसे करेंगे, अब देखिए एक्सपोनेंट्स एंड पावर लिखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा ही डिफरेंस है इनमें। किसी लार्ज नंबर को जब इस फॉर्म में लिखते हैं तब हम उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं, लेकिन इसको रीड कैसे करेंगे, पढ़ेंगे कैसे, 10 की पावर 3, जिसमें 10 आपका बेस होता है और जो ऊपर होती है, या 3, 4, 5, 2, 1 कुछ भी हो नंबर, उसे हम पावर बोलते हैं। ओके, उसे हम क्या बोलेंगे, पावर। क्लियर हो गया? और जब इस फॉर्म में लिखा जाता है उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलेंगे। क्लियर हुआ? आगे चलें, आप एक्सरसाइज में आ जाइए। फिलहाल हम यहां पर कुछ बेसिक चीजें सीखेंगे एक्सरसाइज में, इन्हें सिंप्लीफाई करना। ओके, जैसे कि मैं आपका एक्सरसाइज 13.1 ले लेता हूं। ओके, अब 13.1 एक्सरसाइज लेने के लिए आपको कुछ फॉर्मूले जो बेसिकली हैं वो आपको मालूम होने चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, मैंने लिया है सपोज ए की पावर एम मल्टीप्लाई ए की पावर एन, जनरल फॉर्म ले रहा हूं मैं। देखिए बेस इक्वल है, ध्यान है, मल्टीप्लाई में बेस जब इक्वल होता है और पावर अलग अलग होती है तो हम क्या करते हैं, उन्हें ऐड कर देते हैं, केवल पावर ऐड होंगी। ओके, बेस इक्वल होने पर मल्टीप्लाई में जो पावर है वो ऐड हो जाती है और यही आपका फॉर्मूला बन जाता है। एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, एज जैसे मैं साथ साथ एग्जाम्पल लेता हूं, 2 की पावर 3 × 2 की पावर 2, तो आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे 2 की पावर 3 + 2 क्या
कितना डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं 5, क्योंकि बेस इक्वल है। ओके, तो दोनों पावर ऐड हो जाएंगी मल्टीप्लाई में। ऐसे ही आपके पास डिवाइड में है, ए की पावर एम डिवाइडेड बाई ए की पावर एन। ओके, डिवाइड में क्या होगा, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। एग्जाम्पल इसका भी लें, यही वाला ले लीजिए, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की डिवाइडेड है 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2। तो आपके पास बेस इक्वल है लेकिन डिवाइड है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो आपका आंसर आएगा 3 माइनस 2 1, 2 की पावर 1। इसी तरह से एक सपोज कीजिए आपकी पावर ए की पावर एम है लेकिन यहां बी की पावर एम है, यानी अब क्या है, आपके पास पावर सेम है लेकिन बेस अलग अलग हैं। तो इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा आपका, इसमें फॉर्मूला लगेगा ए मल्टीप्लाई बी और दोनों की पावर कंबाइंड ब्रैकेट में रखी जाएगी। ओके, एग्जांपल देखिए आप, सपोज 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 3 है, पावर सेम है बेस अलग है, तो दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर सेम, तो 2 3 6 6 की पावर 3। इस तरह से आप कहेंगे, यही काम आपका क्या होगा डिवाइड में है। अगर ये दोनों डिवाइड में हो जाए, पावर सेम है बेस अलग अलग है, तो हम इन्हें ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख देते हैं। क्लियर हुआ, एक और देखें आप, तब यहां पर डिवाइड हो जाएगा। ओके बच्चों, देखें अगर यहां ए की पावर एम होने के साथ साथ उसकी भी पावर हो जाए, तब क्या करेंगे आप, भाई पावर की पावर है तो उससे उसकी मल्टीप्लाई हो जाती है, क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई पावर से पावर की। एग्जांपल देखें आप, सपोज 2 की पावर 2 है और इसकी भी पावर 3 है, तो पावर से पावर मल्टीप्लाई हो गई, 2 मल्टीप्लाई 3 यानी 2 की पावर 6। इस तरह से है। सपोज एक बेसिकली और लें, अगर ए की पावर 5 है, अगर आपकी ए की पावर 5 है और आपसे कहा जाए भाई इसकी आप वैल्यू कहें, तो आप क्या कहें, ये सेम है, ये खुद ही आपका आंसर है। अब मैं इसे एक एग्जांपल में लेता हूं, अगर और ज्यादा क्या सॉल्व कर सकते हैं आप, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाई a 5 बार है पावर इसकी, तो 1 2 3 4 5, ऐसे आप इसको क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं पावर को, ठीक है। और यदि यहां ऐसे मिल जाए कोई जनरल एग्जाम्पल, मैं ले लेता हूं आपका एग्जाम्पल, मैंने ले लिया कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इस तरह से है, और आपसे कहा जाए कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए, तो हम क्या लिखेंगे इसे, 2 की पावर 3, क्योंकि कितने बार रिपीट हुआ है, 3 बार, तो 2 की पावर 3। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और किसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को अगर एक्सपेंड करेंगे तो उसे उतनी बार लिखेंगे। ओके, ये मैंने क्या किया है, एक्सपेंड, और ये क्या किया है, इस एक्सपेंडेड फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है। एक्सरसाइज में देखिए आप, यहां पे लेते हैं, आपके पास मैं एक्सरसाइज यहां से स्टार्ट करता हूं, आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट पार्ट है 2 की पावर 6, और कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो आप क्या कहें, इसकी 2 की 6 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2
मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू, यानी 2 की पावर 6 को कितनी बार लिखा आपने, 1 2 3 4 5 6, ये तो मैंने आपको एक्सपेंड करके दिखाया। आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इनकी 6 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो फिलहाल आप यहां देखें कैसे होगी मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 और 32 2 जा 64। ओके, इस तरह से आप इसको फाइंड द वैल्यू वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं। एक और देख लीजिए, सेकंड है आपका, सपोज 11 की पावर 2 है, तो आप इसे 11 मल्टीप्लाई 11 लिखेंगे, यानी 11 से 11 की मल्टीप्लाई हुई तो कितना आ गया, 121। क्वेश्चन नंबर 2 देखें आप, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास में है फर्स्ट पार्ट 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, और आपसे क्या कहा गया है, आपसे कहा गया है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। आपकी बुक में है, बुक अपनी ओपन करके बैठे आप, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भाई 6 की पावर 1 2 3 4 6 की पावर 4, ये होगी आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक और लेता हूं मैं इसका, सपोज आपके पास फिफ्थ पार्ट है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a, यहां पे क्या है, कॉन्स्टेंट भी है और वेरिएबल भी है, देखें आप कौन कितनी बार पीटवा है, तो 2 की पावर तो 2 हो गई मल्टीप्लाई, और a की पावर भी कितनी हो गई, 2, क्योंकि सब दो दो बार पीटवा है। क्लियर हो गया, इस तरीके से आप इन्हें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। अब मैं आपका क्वेश्चन लिखता हूं 3, सपोज कुछ लार्ज क्वेश्चन आ गया आपके, हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपका देखता हूं, फर्स्ट पार्ट यह है आपका 512, सॉल्यूशन देखें आप इसका, इसे कहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन, आप इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दीजिए, ठीक है, इसका एक्सपोनेंशियल नोटेशन बताइए क्या है। तो 512 आप इसके पहले प्राइम फैक्टर कर लीजिए, क्या कर लीजिए, प्राइम फैक्टर कर लीजिए, ओके कीजिए, 2 2 जा 4 1 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, फिर 2 से लें 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 8 जा 16 2 6 जा 12 2 4 जा 8 2 3 जा 6 2 2 जा 4 16 8 और 2 4 और 2 2 जा 4 2 1 जा 2। आपके पास जब आप इसके फैक्टर करते हैं तो ये इस तरह से मिलते हैं, तो आप ध्यान दें 2 कितनी बार आया है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके, यानी 2 कितनी बार रिपीट हुआ है आपका, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी बार कहा था हमने, 3 3 6 और 3 9, तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इसके फैक्टर जो आए कितनी बार रिपीट हुए हैं, 9 बार। तो आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी जो एक्सपोनेंशियल नोटेशन आपको देना था, वो 2 की पावर 9 आ गया, ओके। इस तरह से यहां पर आप 8 8 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, पर लेकिन क्या हो गया, ये सिंप्लीफाई भी हो गया है, समझे आप। ठीक इसी तरह से इसका सेकंड और थर्ड पार्ट है, उसे आप कीजिएगा। अब मैं आपको ऐसे ही ये ले लेता हूं, 6 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट, इसमें कहा है केवल सिंप्लीफाई करना है, क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। फर्स्ट पार्ट देखें आप इसका, मेरे पास 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 है, कितना है, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, तो देखिए जरा
सिंप्लीफाई करेंगे सॉल्यूशन इसका 2 × 10³ है, तो इसका मतलब 10 × 10 × 10, और अब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 10 की यानी 1000 हुआ, और आपके पास क्या आ गया, 2 से इसकी मल्टीप्लाई करें, ये हो गया सिंप्लीफाई, तो आंसर क्या है आपका 2000। ओके एक और ले लीजिए इसका, एक और देता हूं मैं आपको, सपोज सेकंड पार्ट है इसका, यहां ध्यान दें, आंसर 6 का सेकंड पार्ट, यह है आपका 7² × 2 × 2² तो आप इन्हें 7² अब चूंकि आपको अगर ये याद हो गए हैं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 7² यानी 7 × 7 = 49 और 2² = 4, और इससे आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया सिंप्लीफाई, ये कितना हो गया, ₹196। ओके, इसी तरह से इसके बाकी पार्ट्स, मैं एक क्वेश्चन नंबर 7 में बिल्कुल यही है सिंप्लीफाई, मैं आपको माइनस वाला और लेके समझाता हूं कि अगर सपोज माइनस की आ जाए क्वेश्चन इस तरीके से, ओके माइनस में है, इसे आपको सिंप्लीफाई करना है तो आपको सेम मेथड रखना है, भाई पावर कितनी है 3, तो -4 × -4 × -4, इन सब की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 × 4 = 16 और 4, और अब साइनों की मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, ओके इस तरह से आप इनके साइनों की भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसी तरह से और भी क्वेश्चन है सिंप्लीफाई के, अब मैं आपको ये ले लेता हूं एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1 दिया है मैंने फर्स्ट पार्ट, आपको क्या करना है इसमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, यानी जो मैंने आपको अभी अभी एक्सप्लेन किए थे रूल्स, ये जनरल रूल्स थे आपके एक्सपोनेंट के, इन्हें हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स भी करते हैं, ठीक है, जो रूल्स हैं इनके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, साथ ही साथ तो ये एक्सपोनेंट के जो फॉर्मूले बताए हैं आपको उन्हें आपको यूज करना है। तो देखें सॉल्यूशन, बेस इक्वल है तो पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएगी, बस ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, तो कितना हो गया 8 × 10 और ये हो गया आपका 14, ये आपका क्या हुआ एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई। अब आप क्या कहें इसकी 3 की पावर 14 को सॉल्व भी कर सकते हैं, भाई मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो आए वो आंसर, आपने यहां भी छोड़ दिया है तो इतना भी है, ज्यादा बड़ी पावर को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिख के छोड़ देते हैं। अब मैं आपको सेकंड पार्ट समझाता हूं डिवाइड वाला, जैसे कि 6 की पावर 15 है और डिवाइडेड बाई 6 की पावर 10 है, तो मेरे पास में क्या सोल्यूशन आता है, डिवाइड 6 की पावर 15 − 10, क्या हुआ डिवाइड में बेस इक्वल है पावर सब्ट्रैक्ट हो गई, तो मेरे पास आता है 6 की पावर 5, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। एक फिफ्थ पार्ट और ले लेता हूं, 5 की पावर 2 और इसकी भी पावर कितनी है 3, और डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3, तो मैं क्या करता हूं पहले मैं इसमें एक्सपोनेंशियल ला लगाता हूं 2 × 3 = 6 और डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3, बेस इक्वल है तो क्या हो गया 6 − 3, पावर सब्ट्रैक्ट हो गई, तो 5 की पावर 3 और 5 की पावर 3 कितना 125, जो सिंपल है फॉर्म उन्हें आप लिख सकते हैं इस तरीके से भी। ओके सपोज आपके पास एक, मैं ये ले लेता हूं इसी का फोर्थ पार्ट, 7 की पावर x है और मल्टीप्लाई 7² है, सर इसमें बेस तो इक्वल है मल्टीप्लाई है तो कोई बात नहीं आप पावर ऐड कर दीजिए, और कोई नहीं ऐड हो रही है तो कोई बात नहीं क्योंकि वेरिएबल है और ये कॉन्स्टेंट है, तो बस यहीं पे छोड़ दीजिए, यहीं इसका सॉल्यूशन है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू देखें आप, इसमें भी सब सिंप्लीफाई है, मैं ये ले लेता हूं इसका फिफ्थ पार्ट, चूंकि बाकी सेम है। 3 की पावर 7 और 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। तो आपको केवल ध्यान देना है, क्वेश्चन अगर इस फॉर्म में है या किसी में भी, तो आप केवल एक्सपोनेंशियल लॉ यूज करेंगे। 3 की पावर 7 मल्टीप्लाई में पावर क्या हो गई, ऐड हो गई 3 की पावर 7, और ये इससे क्या हुआ, 1 बार कैंसिल। और इसे आप अगर ऊपर भी लेके जाएंगे तो 3 की पावर 7 ये मल्टीप्लाई में प्लस की पावर ऊपर जाके क्या हो गई, माइनस। तो फिर क्या कहेंगे आप इसे, प्लस मल्टीप्लाई में बेस इक्वल है पावर क्या होंगी, ऐड। तो ये इस तरीके से, और माइनस प्लस माइनस ही होगा, तो 7 माइनस 7 कितना हो गया, 0, और 3 की पावर 0 कितना होता है, 1। ये भी आपका रूल्स है, ओके। ये एक रूल्स है आपका एक्सपोनेंट में कि जिसकी भी पावर 0 होती है उसे मैं 1 लिखूंगा। सपोज आपके पास अगर a की पावर 0 है तो उसे आप 1 शो करेंगे। इसे प्रूफ भी करके दिखाया जाता है, वो आपको समझाएंगे, फिलहाल इतना ही। देखें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में 7th पार्ट है, इसी बेस पे है। 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 मल्टीप्लाई 4 की पावर 0, और मैं साथ साथ एक क्वेश्चन इसका 8th पार्ट और लिख देता हूं, दोनों में आपको एक साथ समझाएंगे। ये है, तो आपको ध्यान रखना है केवल एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है वो ला, कि 2 की पावर 0 है तो इसका आंसर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 1, 4 की पावर 0 1, और इन सब की मल्टीप्लाई 1 1 जा 1, ओके। यहां पर देखें, यहां 3 की पावर 0 1, लेकिन बीच में क्या हुआ, प्लस 2 की पावर 0 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 1, तो कितना हो गया, 1 प्लस 1 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। इस तरीके से आपका ये 13.2 जो जनरल फॉर्म के क्वेश्चन है वो सब कंप्लीट होते हैं। आप इसे ध्यान से सुने और समझें, और जो भी प्रॉब्लम हो उसे आप सॉल्व करके देखें या पूछ भी सकते हैं। ओके, थैंक यू।